दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि Xiaomi के Mi A3 में कॉल ब्लॉक कैसे किया जाता है। अगर आपको कोई कॉलर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है या तो आपको अनवांटेड कॉल्स आते हैं, टेलीमार्केटिंग कॉल्स आते हैं, तो उन्हें कैसे ब्लॉक किया जाता है। कॉल ब्लॉक का जो ऑप्शन है हमें फ़ोन ऐप में मिल जाता है, तो आपको भी फ़ोन ऐप में जो है कॉल ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले हम जाएंगे फ़ोन ऐप में। फ़ोन ऐप में क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड टॉप कॉर्नर पर 3 डॉट्स दिखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको जो भी कॉल ब्लॉक करना है यहाँ पर आपको उसे ऐड करना होगा। यहाँ पर ऐड नंबर पर क्लिक करेंगे और आपको जो भी कॉल जो है ब्लॉक करना है उसका नंबर यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने Mi A3 में कॉल को ब्लॉक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, कॉलर जो है वो आपको परेशान नहीं कर सकते। अगर आपके फ़ोन ऐप में ब्लॉक का जो ऑप्शन है नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको जो है फ़ोन ऐप को सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अपडेट करना ज़रूरी है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में ब्लॉक कॉल्स का, ब्लॉक नंबर्स का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इस तरह से आप जो भी चाहे उस कॉलर को यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हो। अगर आपको अनब्लॉक भी करना है तो आपको फिर से यहीं जाना होगा और यहाँ पर जितने भी कॉल्स आप ब्लॉक करोगे उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिस्ट पर क्लिक करके आप जिसे अनब्लॉक करना चाहते हो तो अनब्लॉक भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप Mi A3 डिवाइस में कॉल्स को जो है ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।